सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब? आइयो अच्छे होंगे। मैं केपी संत आप सभी का न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आप सभी को दिखाने वाला हूं दुहाई आरआरटीएस के स्टेशन से लेकर, जो कि ये ऑपरेशनल हो चुका है ये वाला स्टेशन दोस्तों मुरादनगर। आप लोगों को स्टेशन दिखाएंगे कि उस पर अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, क्या क्या वर्क हो चुका है, क्या क्या नहीं हुआ है, वो सब कुछ आप सभी को इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने अभी तक तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो केपी संत के चैनल पर दोस्तों। तो चलिए चलते हैं और दिखाते हैं चल के आप सभी को मुरादनगर आरआरटीएस का स्टेशन के उस पर अभी ट्रायल रन चल रहा है दोस्तों। आप लोगों को बता दूं कि दुहाई से लेकर और मेरठ साउथ के स्टेशन तक उसका अभी ट्रायल रन चल रहा है दोस्तों, और मार्च के लास्ट में इसको ऑपरेशनल कर दिया जाएगा दोस्तों, जो कि साहिबाबाद से लेकर और मेरठ साउथ तक ये ऑपरेशनल हो जाएगी दोस्तों। मार्च के एंड तक ये चालू हो जाएगा। तो बहुत तेज़ी के साथ में अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है दोस्तों, काफ़ी तेज़ी के साथ में कंस्ट्रक्शन चल रहा है। और आप लोगों को बता दूं कि 80% काम कंप्लीट हो चुका है। जो बाकी के स्टेशन बचे हैं मुरादनगर, मोदीनगर और मेरठ साउथ के जो स्टेशन है दोस्तों, 80% वर्क कंप्लीट हो चुका है दोस्तों, 20% ही बचा हुआ है। और जो बायोडक्ट था वो बिल्कुल कम्प्लीट हो चुका है, उस पर अभी सिर्फ ट्रायल रन चल रहा है इस टाइम पर दोस्तों। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को दिखाया जाए, काफ़ी दिनों के बाद में ये अपडेट आप सभी को देखने के लिए मिलेंगे। और अब आप लोगों के पर डे अपडेट केपी संत के चैनल पर देखने के लिए मिलेंगे दोस्तों। आगे आने वाला है स्टैंड पेरिफेरल, यहाँ से दो लाइनें डिवाइड हो जाती है दोस्तों। एक तो दुहाई डिपो के लिए चली जाती है, यानी कि रैपिड रेल के जो घर है दोस्तों वो ये देखो दो भागों में यहाँ से डिवाइड हो जाती है दोस्तों। ये राइट वाली चली जाती थी मेरठ के लिए, और लेफ्ट वाली दोस्तों चली जाती है दुहाई डिपो के अंदर दोस्तों, जो कि यहाँ से करीब 1 किलोमीटर पड़ेगा दोस्तों देखिए यहाँ से। और जैसे ही हम अब आप लोगों को बता दूँ कि हमारे NCR का एक गोल चक्कर है जिसे कहते हैं ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेस वे दोस्तों, 8 लेन का बना हुआ है देख सकते हो। उसके ऊपर ये रैपिड रेल का आयरन ब्रिज भी बनाया गया दोस्तों, स्टील का ब्रिज है देखो, ये क्रॉस कर रहा है दोस्तों, इधर भी क्रॉस कर रहा है और इधर भी क्रॉस कर रहा है। इसको क्रॉस करने के बाद में ये दोस्तों मार्च के एंड तक इस पर ऑपरेशनल हो जाएगी मेरठ साउथ तक दोस्तों, देख सकते हो। ये है ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे, उसको ये क्रॉस कर रही है रैपिड रेल दोस्तों, देख सकते हो। ये स्टील का ब्रिज यहाँ पर लगाया गया है और आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा आगे बहुत कुछ नज़ारा है। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को दिखाया जाए शुरू से लेकर एंड तक, क्योंकि जो बीच का डिवाइडर बनाने का काम था ना वो भी बन के बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है उस पर, ये देख सकते हो। और इसमें मिट्टी भरनी थी, मिट्टी भरने के बाद में दोस्तों प्लांटेशन भी कर दी है दोस्तों, और साइडों से देखो जो बीच का है इस पर पेंट भी कर दिया, देख सकते हो। ये यही नज़ारे हैं, तो देखो और आप लोग इंजॉय करो। We'll be right back.
तो दोस्तों आप देखो, ये आ चुका है मुरादनगर RRTS का स्टेशन, जिस पर रूफ टॉप का जो स्ट्रक्चर बनाने का काम था उस पर बिल्कुल कंप्लीट हो गया है दोस्तों। इसका प्लेटफॉर्म तो देखो, आप लोगों को बता दूं कंप्लीट सही हो चुका है, 95% काम हो चुका है कंप्लीट प्लेटफॉर्म के ऊपर वाला हिस्सा दोस्तों। और आप लोगों को बता दूं इसके जो एंट्री एग्जिट पॉइंट है बस वही बचे हुए हैं, उन पर जोरों शोरों से काम चल रहा है। वो आप लोगों को ऐसे ही वीडियोस देखते रहो KP संत के चैनल पर देख सकते हो। ये जो बायोडक्ट का पानी आएगा वो इसमें आएगा दोस्तों, इसके बीच के डिवाइडर में दोस्तों देख सकते हो काफ़ी गहरा इसमें पानी भर जाएगा, फिर ये धीरे 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 ज़मीन में सूख जाया करेगा, तो पानी का वेस्ट नहीं होगा दोस्तों। और पेड़ पौधों में पानी लगाने के लिए दोस्तों यहीं पर पाइप डाल कर और इसमें छिड़काव कर दिया जाया करेगा दोस्तों, तो इसी वजह से ये बनाया जा रहा है देख सकते हो। या ये राइट हैंड के एंट्री एग्जिट पॉइंट पर देख सकते हो रूफ टॉप का जो स्ट्रक्चर है दोस्तों वो बनाया जा रहा है देख सकते हो स्टेयर्स के ऊपर दोस्तों। और इस पर एक्सीलेटर भी 140 सीढ़ियाँ भी लगा दी जा चुकी हैं दोस्तों, तो काफ़ी ज़ोरों शोरों से काम चल रहा है अभी इस टाइम पे दोस्तों मुरादनगर RRTS के स्टेशन में, क्योंकि इन्हें मार्च के एंड में ऑपरेशनल करनी है, आम जनता के बीच में खोल दी जाएगी दोस्तों। तो इसी वजह से यहाँ पर बहुत तेज़ी के साथ में काम चल रहा है दोस्तों। और जो साइडों के डिज़ाइन हैं वो भी बनाए जा रहे हैं, देखो ये मशीनें लगी हुई हैं, ये देख सकते हो टीम यहाँ पर काम दिन रात कर रही है दोस्तों। देखो कुछ इस तरीके से बनाया जा रहा है ये स्टेशन का डिज़ाइन भी। और मैं आप लोगों को अगली जो अपडेट आने वाली है उसमें आप लोगों को अंदर का भी दिखाऊंगा, नीचे का भी दिखाऊंगा कि इस पर क्या क्या काम चल रहा है अभी इस टाइम पे। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए KP संत को लाइक शेयर कमेंट करो, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने अभी तक तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, ऐसे ही वीडियोज़ देखते रहो दोस्तों। देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पर काम चल रहा है, किस तरीके से यहाँ पर रैपिड रेल को बनाया जा रहा है भाई साहब, बहुत तेज़ी के साथ में कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, क्योंकि अभी चुनाव आने वाले हैं और चुनाव आने से पहले इसको ऑपरेशनल कर दिया जाएगा मेरठ साउथ तक दोस्तों। देखो सारे में ही काम चल रहा है, देखो किस तरीके से यहाँ पर ये डिज़ाइन बनाया जा रहा है, तस्वीरें आप लोग देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पर काम चल रहा है, जोरों शोरों से भाई साहब तेज़ी के साथ में काम चल रहा है। मैंने तो भाई साहब कल्पना भी नहीं की थी कि इतनी तेज़ी के साथ में काम चल रहा होगा, क्योंकि पिछले अपडेट में देखो एक महीना पुराना, जब आप लोगों को पता चलेगा दोस्तों कि किस तरीके से यहाँ पर काम हुआ है, बहुत ही ज़ोरों शोरों के साथ में काम चल रहा है दोस्तों। 30,274 करोड़ की लागत से इसको बनाया जा रहा है, 82 किलोमीटर का रूट है दोस्तों, 82 किलोमीटर के रूट में से इसमें 12 किलोमीटर का पार्ट तो दोस्तों अंडरग्राउंड है, जैसे कि आनंद विहार में और मेरठ सेंट्रल के अंदर दोस्तों बेगमपुर वैशाली नगर ये सारे अंडरग्राउंड होने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत गाइस, मिलते हैं किसी नई